ये लोग बहुत हल्के लोग हैं, और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगी। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है। और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए। और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। ये हमारा क्लियर इशू। वो क्या है कि बीएसपी के बिना एक विपक्षी एकता कैसे होगा? आप लोग बीएसपी को छोड़ के तेलंगाना से भी संपर्क कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन यूपी में बीएसपी संपर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से अलग कहाँ है। जब भी मौके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक, और बहुत से समय ऐसे हैं कि डर भी जाते हैं। हम लोग तो डरने वाले तो हैं नहीं, कभी सीबीआई से डरेंगे, कभी ईडी से डरेंगे, कभी कहीं से डरेंगे, तो हम लोग तो डरने वाले नहीं है समाजवादी के लोग। चाचा, सरकार के मुद्दे हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि जयंत जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, नीतीश कुमार को भी हम ले आएंगे और आप लोग को भी ले आएंगे। देखिए, इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग, हमसे कभी मिले हैं पूछ लेना, हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है इनकी। हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, बहुत जो हल्की बात करें। राजभर के बारे में चर्चा की, उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उनके बेटे को टिकट भी दी जा सकती है, बीजेपी के बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा डेंट लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, और जब भारतीय जनता पार्टी में ओथ ले लेंगे फिर चुनाव आएंगे तो हमें तो जहूराबाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल जी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों में बहुत नाराजगी है और एक इशारा मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं मजबूती के साथ खड़े हैं, और समाजवादियों को तो इतिहास रहा है, न कभी डरे हैं न कभी दबे हैं, और फिर इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को इकट्ठा करके हराएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? वो देखिए, जहाँ तक हम शरद पवार जी को जानते हैं, वो जिस तरीके से नेताजी राजनीति करते थे तो कभी वो दबे नहीं, कभी डरे नहीं, और देखे जब भी चुनाव आएगा, फिर चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा के चुनाव आए, वो फिर से महाराष्ट्र में फिर से उभर के आएंगे, जीत के आएंगे। दो बड़े घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुए, पहले शिवसेना के साथ में और फिर एनसीपी के साथ में, इससे क्या सबक लेते हैं? देखिए, महाराष्ट्र को देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रयोगशाला बना रखा है, तुष्टिकरण की नारी, ध्रुवीकरण की नारी, जब चुनाव आते हैं तब इसी तरीके का। अब इनको कहीं पर भी देश और प्रदेश का विकास करने का कोई मतलब नहीं है, केवल देखिए बांटो, समाज को बांटो और देश को कमजोर करो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। न तो विकास का काम करेंगे, न फिर देश को मजबूत करेंगे, केवल जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो देखिए, अब जनता भी समझ चुकी है पूरी तरह से देश की। 2024 का समाजवादी पार्टी गठबंधन किसके साथ होगा, उसके लिए भी बातचीत पैनल होगा? देखिए, हम लोगों को विपक्ष को, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने में, और ये भी रणनीति का कोई ना कोई हिस्सा होता है, तो रणनीति का हिस्सा कोई बताया थोड़ी जाएगा,
लेकिन हम इतना जानते हैं कि विपक्ष को इकट्ठा करके मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को हम और अखिलेश मिल करके मजबूती के साथ बैठ करके रणनीति बना करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराने का काम कर। अगर जरूरत महसूस हो तो बहुजन समाज पार्टी से बात किया सकती है, उससे तो नहीं है। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी रोज ही देख रही हो, मिले हुए हैं, बी टीम है क्या? बिल्कुल बी टीम की तरह ही काम करते हैं। तोड़ने कोशिश नहीं करेंगे आप बी टीम? देखिए जब भी समय आएगा तो आप लोग जानते ही हो, एक बार तो तोड़ ही चुके हैं। नहीं, बात हो रही है और साथ हैं और साथ रहेंगे। आपने कहा कि सारे विपक्ष को एक साथ लेके आएंगे, क्या बसपा को भी एक साथ लेके आएंगे? देखिए ये ईडी का, सीबीआई का, सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके डराने धमकाने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी केवल देखिए लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूती के साथ हम लोग खड़े होकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या नियंत्रण की बात भी की जा रही है? क्या आप मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून या प्रावधान लाना आवश्यक है इस वक्त? देखिए जब जब चुनाव आएंगे तब जनता को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करने का काम करेंगे। यूसीसी पर उसी तरीके से, यूसीसी जैसे चुनाव आया, अब चुनाव 2024 का आने वाला है, तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। तो कह रहे हैं एक देश एक कानून कर रहे हैं, तुम अच्छा कर रहे हैं। तो चुनाव का वक्त ही होता है, चुनाव के ये केवल चुनाव के वक्त ही ऐसे कानून लाएंगे, ऐसा काम करेंगे, डराने धमकाने का काम करेंगे और सभी संस्थाओं को इन्वॉल्व करेंगे। वैसे आप मानते नहीं कि जनसंख्या बड़ा बोझ है, अगर ये थोड़ा नियंत्रित रहे तो आम लोगों का फायदा हो? तो बहुत से उपाय हैं ना, सो तो करेंगे नहीं जनसंख्या के लिए। आप लोग भी समझते हो जनसंख्या कम कैसे की जा सकती है, शिक्षा पर जोर देंगे नहीं, शिक्षा पर जोर देंगे नहीं, स्वास्थ्य पर जोर देंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं।